हेलो फ्रेंड, आपका न्यू वर्क सिलाई बिनाई में स्वागत है। हम इस वीडियो में बताएंगे कि सिलाई मशीन स्लो चल रहा है तो आपको कौन सा डोरी यूज करना है, कि घर वाला यूज करना है कि आप मार्केट वाला। जैसे कि मार्केट से भी इस तरह से डोरी आता है, पौधान का बहुत सारा डोरी आता है, तो आपको कौन सा डोरी सही रहेगा जो पौधान में अच्छा से चलेगा और अच्छा से सिलाई हो जाएगा। तो ये जो डोरी है पहले का हम घर पर तैयार किए हैं कॉटन का कपड़ा से। इसमें क्या प्रॉब्लम आता है सब आपको एक एक करके क्लियर करेंगे, और मार्केट वाला कैसा रहता है वो भी बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको सिलाई करके दिखा दे रही हूँ कि जो मेरा मशीन है थोड़ा सा स्लो चल रहा है डोरी के वजह से। तो आप देख सकते हैं ये जो डोरी है कभी कभी स्लिप कर रहा है, इसके वजह से जो मशीन है स्लो चल रहा है। इसको आप क्या करेंगे कि इसको हटाएंगे और इसको लगाएंगे, जो मार्केट वाला डोरी है इसको लगाएंगे तो ये भी डोरी सही रहता है। जो आप हाथ से घर पर बनाते हैं तो ये भी सही रहता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जो घर के आप बनाते हैं तो जल्दी जल्दी इसमें लूज हो जाता है, कहीं कहीं से कॉटन का कपड़ा रहता है तो कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा कटने लगता है, उसके वजह से जल्दी लूज हो जाता है। तब देख सकते हैं कि डोरी जो है इतना लूज है, तो बार बार हम इसको टाइट कर रहे हैं, बार बार लूज हो जा रहा है। तो जो घर का डोरी बना रहे हैं तो थोड़ा सा मिक्स कपड़ा का बनाइए, बिल्कुल कॉटन कपड़ा का नहीं बनाइए। थोड़ा सा पोलिस्टर मिक्स रहेगा तो अच्छा टिकेगा, ज़्यादा कॉटन रहेगा तो बार बार क्या होगा टूट टूट जाएगा जो डोरी है मशीन का। इसको अब हम चेंज करेंगे, ये भी बहुत दिन से चल रहा है, ये नहीं कि ये खराब है। घर का भी कपड़ा से बनाइएगा तो बहुत अच्छा चलता है। तो इसको चेंज करके हमको इसको लगाना है जो मार्केट से लाए हैं, तो इसको जो है कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत दिन से यूज किए हैं, इसमें यही प्रॉब्लम आता है कि बार बार टूट जाता है और बहुत ज़्यादा चूहा भी इसे काट देता है। इसको जो है हम हटाएंगे और इसको जो है लगाएंगे। तो ये भी बहुत तरह का डोरी आता है, लेकिन ये जो डोरी है पोलिस्टर का नहीं है, एक इसमें भी आता है प्लास्टर का, बिल्कुल इतना लंबा ऐसे लंबा फोल्ड में रहता है, ऐसे करके लंबा फोल्ड में रहता है। तो हम इसीलिए कॉटन का ये डोरी लाए हैं, आप देख सकते हैं कॉटन जैसा है, मतलब मजबूत है, पोलिस्टर का नहीं है, लग रहा है कॉटन का धागा से बनाया गया है। बहुत अच्छा डोरी है मशीन का। इसमें जो है वो नहीं दिया है जो तार देता है ऐसे फंसाने वाला, आपको ऐसे करके कहीं पर ज्वाइंट करना पड़ेगा बड़ा छोटा देख के। तो इसको जो हम लगा लेंगे मशीन में और देख लेंगे कितना इसको रखना है। तो आप देख सकते हैं इसको राउंड घुमा के और हम देख लिए हैं कि कितना इसमें टाइट रहेगा। तो इसमें जो है इतना डोरी बड़ा है तो इसको हम हटा लेंगे और इतना पर हम फिक्स करेंगे। इसको हटा लेंगे और इसको जो है आपको सुई से इसको फिक्स करना पड़ेगा, तो हम कर ले रहे हैं। तो इसको जो है अच्छा से हम यहाँ पर फिक्स कर लिए हैं। फिर तो अब जो है हम डोरी को पौधान पर लगा लिए हैं, बहुत अच्छा से लग गया है। अब जो है सिलाई करके देखेंगे कैसा सिलाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मशीन जो है फास्ट कपड़ा सिलाई कर रहा है डोरी के वजह से, डोरी के वजह से भी लूज सिलाई होता है। तो डोरी जो है मेरा अच्छा से लग गया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।